तो एक ये जो आप आपके खड़गपुर हेमपुर में वो ये जो ब्रीडिंग कराते हैं ये एआई सिस्टम से कराते हैं या फिर नेचुरल सिस्टम से कराते हैं? नेचुरल सिस्टम से, मतलब आप घोड़ा घोड़ी को दिखाते हैं, जब घोड़ी प्रॉपर हीट पे आती है फिर उसके ऊपर घोड़ा डालते हैं। तो घोड़े मतलब आपने ऑस्ट्रेलियन कितने रख रखे हैं? छः ऑस्ट्रेलियन है। तो आप ये जो ब्रीडिंग कराते हैं तो कितने टाइम में करवाते हैं, कितने टाइम पीरियड में, मतलब एक दिन में एक ऑस्ट्रेलियन को कितनी बार घोड़ी दिखाते हैं आप? एक बार ही। अच्छा, मतलब वो आपके जैसे पूरे मंथ में 30 डेज हैं तो उन दिनों में आप कितने घोड़ियों पे देखते हैं? उसको एक हमारे का एक टेस्ट कौन होता है। अच्छा, ओके, वो उसको टेस्ट कौन से उसको घोड़ी पे एग्जाम लगाता है। अच्छा, टीचिंग कराते हैं आप बार बार? ठीक है, अच्छा। और जो आपने ऑस्ट्रेलियन रख रखे हैं ये सब थोरो ब्रीड के ही हैं? और वो जो ऑस्ट्रेलियन है वो ओनली आपके ब्रीडिंग पर्पज से ही रख रखे हैं, वो राइडिंग भी नहीं करना उन पर, कोई भी काम नहीं, बस ओनली ब्रीडिंग के लिए? तो सर ये आप वहीं पे जो ये नेचुरल ब्रीडिंग ही करवाते हैं, एआई सिस्टम क्यों नहीं कर रखा है, थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे? होता है वो जो वैसे भी होता है, लेकिन उनमें जो बाई चांस जानवर किसी के बॉडी में बच्चा दिखता नहीं है तो वो उसी से। अच्छा अच्छा, मतलब नेचुरल सिस्टम ही सबसे ज़्यादा सक्सेस है। ओके ओके, तो अभी आप यहाँ पे कितने चार घोड़े लाए हैं? चार घोड़े लेकर। तो कैसा रहा अभी तक आपका टेट पिंग का गेम? अच्छा रहा, इसमें सबसे ये नया बच्चा पहली बार इसका हॉर्स है। अच्छा अच्छा, ये बच्चा है जीएल का 2013 का बच्चा। अच्छा, ये 2013 का बच्चा है। अच्छा, और इन्होंने अभी लोग गए थे इंडोरेंस करने के लिए अहमदाबाद। अच्छा अच्छा, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर गया, उसके बाद हम तुरंत इधर आ गए थे। अच्छा, यहाँ भी टेट पैकिंग। तो मतलब आप मल्टी काम करवाते हैं, इंडोरेंस में भी डाल रखा है और टेट पैकिंग भी करवाते हैं। अच्छा, तो ये आप अलग अलग क्राइटेरिया नहीं रखते हैं कि भाई ये शो जंपिंग के लिए? जैसे अवेलेबल होता है जानवर तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा ट्रेंड करना पड़ता हमारे। अच्छा, तो मतलब जैसे आप ट्रेनिंग पीरियड में जो घोड़ा ट्रेन होता है उसी से आप गेम भी खेल लेते हैं और फिर अगर टाइम आता है तो उसको सेल भी कर देते हैं? अच्छा, तो ये आपके नया बेच हर बार चलता रहता है, कोई परमानेंट घोड़ा नहीं रहता? परमानेंट रहता है घोड़ा, जो बाई चांस से हमारे डिटेक्ट हो जाता है तो वो हमारे पास परमानेंट रहता है। अच्छा, वो वापस वहाँ से सेल आउट करते हैं, वो आपके पास ही आते हैं? क्यूजी सेल से हमारे पास रहता है, बाकी जिसको जिसको होता था जिसको वर्ष रहता है। अच्छा, वो हम उसको टर्निंग देते हैं, टर्निंग के बाद वो घोड़ा था सिलेक्शन कर जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, तो अभी आपके जो वहाँ पे टोटल जैसे 1500 घोड़े घोड़ी हैं तो वहाँ पे टोटल काम करने वाले कितने जन हैं जो गेम के लिए? गेम के लिए हमारे काम 20-25 घोड़े हैं। 20-25 घोड़े हैं, उस पे सवार मतलब टोटल बंदे कितने लगे हुए हैं? बंदे एक घोड़े के पास में, किसी के पास में एक घोड़ा है और किसी के पास दो घोड़े हैं, जैसे क्रॉस कंट्री का किसी के पास में है, किसी के पास ड्रेसेज का है, किसी के पास शो जंपिंग का है, ऐसे किसी के पास स्टेट पिंग लिया है, किसी के पास एंड्रोन्स का घोड़ा है। मतलब टोटल जैसे 1500 घोड़े हैं तो टोटल आपके पूरे उस एरिया में बंदे कितने हैं टोटल, ऐसे पूछ रहा हूं? हां, टोटल मेरे छिलन वगैरह 150 करीब छिलन है। ओके, 150-250 जवान है। अच्छा, उसमें अधिकारी है, हमारे अधिकारी भी डॉक्टर ही है। अच्छा, बाई चांस में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो अधिकारी आता है, देखता है, ट्रीटमेंट करता है। अच्छा, वहाँ वेटरनरी फोन करती है और जो भी प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व करता है। ओके ओके सर, थैंक यू।